यूपी के एटा में भ्रष्ट राशन डीलरों और राशन माफियाओं पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कसा। जिला पूर्ति अधिकारी ने 5 राशन डीलरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 4 राशन डीलरों की दुकानों को निरस्त और 1 राशन की दुकान को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल प्रशासन को कोविड-19 के समय में लगातार आम जनता द्वारा घटतौली राशन न देने और राशन डीलरों द्वारा कार्ड धारक के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार की शिकायतें मिली थी, जिसकी जांच जिला पूर्ति अधिकारी राजीव मिश्रा ने संबंधित ब्लॉक के पूर्ति निरीक्षक को सौंपी थी। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर जिला पूर्ति अधिकारी राजीव मिश्रा ने कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं पूर्ति विभाग की कार्रवाई के बाद राशन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। इसमें एक दुकान थी पूरनलाल की, पिवारी गांव है, महरान है, उनके खिलाफ हमने 3/7 का मुकदमा भी दर्ज किया था। पब्लिक से मारपीट, अभद्रता करना और राशन न बांटना, पर्ची दे देना और राशन न देना, तो वो दुकान निलंबित थी। लेकिन किन्हीं वजह से उनके स्पष्टीकरण न प्राप्त होने के कारण मामला प्रकरण लंबित था, लेकिन अब उसकी दुकान को निरस्त कर दिया गया है। और अभी अलीगंज में कलिंजर गाँव है, वहाँ योगेश दुकानदार है, उनकी शिकायत आई, उनकी भी जाँच कराई गई और उनकी दुकान को जांच की पुष्टि पाई जाने पर, शिकायतों की पुष्टि पाने पर दुकान को निलंबित करके फिलहाल अभी उनका स्पष्टीकरण मांगा गया है।